बमों के साथ गेंद की तरह खेलने वाला गुड्डू मुस्लिम कितना बड़ा अपराधी है, अगर ये आप जान जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों 24 फरवरी 2023 को दुमनगंज में राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह वकील उमेश पाल की गोली और बम मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना में अतीक अहमद के परिवार के सभी सदस्यों को आरोपी बनाया जाता है। इसी कड़ी में एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद एनकाउंटर में मौत हो जाती है। वहीं अतीक अहमद और असरफ की शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम के नाम पर पूछे गए एक सवाल का असरफ जवाब दे रहा था, तभी असरफ और अतीक दोनों को गोली मार दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गुड्डू मुस्लिम कौन है जो अतीक का खास है और उमेश पाल की हत्याकांड में भी शामिल था। दुमनगंज में 24 फरवरी को जो भी हुआ उसमें एक आदमी का नाम खूब सुनाई पड़ने लगा, वह नाम था बमबाज गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल के मर्डर का आपने सीसीटीवी वीडियो फुटेज देखा है तो एक शख्स पर आपकी नजर जरूर टिकी होगी जो हाथ में एक झोला लिए हुए है और बड़े ही आराम से वह झोले से बम निकालकर फेंकता है और उमेश पाल को मारने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम कितना खतरनाक है? बम्बों के साथ गेंद की तरह खेलने वाला गुड्डू मुस्लिम कितना बड़ा अपराधी है, अगर ये आप जान जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गुड्डू मुस्लिम का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, बदमाशी इसका शौक था, बाद में यही आगे चलकर इसका प्रोफेशन भी बन गया। स्कूल के दिनों से ही वह लूट और रंगदारी में काम करने लगा था। इसी दौरान वह एक के बाद एक कई बदमाशों और अपराधियों के संपर्क में आने लगा। बताया जाता है कि इसी समय से वह बम बनाने लगा, लेकिन उसकी बढ़ती बदमाशी से उसके घरवाले परेशान थे और उसे पढ़ाई करने के लिए लखनऊ भेजा। लेकिन यहाँ गुड्डू मुस्लिम अपराध करना शुरू कर दिया और इस दौरान उसकी मुलाकात पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो बाहुबलियों से हुई। बाहुबली अवैध और धनराज दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। खबरों की माने तो गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब साल 1997 में उसने अपने लखनऊ के चर्चित लामा ट्रेनर स्कूल के गेम टीचर फ्रेडरिक जेम्स की हत्या कर दी। इस मामले में गुड्डू की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले में गुड्डू के साथ राज भार्गव और धनंजय सिंह भी आरोपी बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक गुड्डू ने इस दौरान अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस कोर्ट में गुड्डू को दोषी साबित नहीं कर पाई। नतीजा यह निकला कि कोर्ट में तीनों बरी हो गए। साल 2001 तक गुड्डू पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे और यूपी पुलिस को गुड्डू की तलाश थी। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू को पटना में गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद ने ही उसे जेल से छुड़ाया था। जेल से निकलने के बाद गुड्डू अतीक अहमद का खास बन गया और अतीक के लिए काम करने लगा। इसके बाद वह अतीक के इशारे पर बड़े बड़े कारनामे करने लगा और पूरे गैंग की जिम्मेदारी भी संभालने लगा। अतीक अहमद के अधूरे काम को पूरा करना ही गुड्डू का अंतिम लक्ष्य बन गया। इसी कड़ी में साल 2005 में बसवा के विधायक राजू पाल की हत्या हो जाती है। इस हत्या में अतीक अहमद समेत कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है, लेकिन इस हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आता है। बीबीसी आईडी द्वारा गुड्डू को आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल किया जाता है। इस दौरान जब पुलिस अतीक को गिरफ्तार करती है तो गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो जाता है। इस दौरान वह अपने पैसों को रियल इस्टेट में लगाना जारी रखता है। पैसे आते रहते हैं और अतीक के पूरे गैंग को वह ठीक तरीके से संभालता रहता है। दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।